नमस्कार मोनिका गौड़, एक बेहतरीन लेखिका हमारे राजस्थान से। तो मित्रों, जन सरोकार मंच के द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला है जिसमें हम आज के सवाल रखते हैं। तो मोनिका जी एक साहित्यकार हैं, प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, और आपके लेख आलेख भी छपते रहे हैं और शोध कार्य भी हुआ है। तो मेरा आग्रह है मोनिका जी से कि राजस्थानी साहित्य में आज का स्त्री लेखन, जो लेखिकाएं हैं उनका लेखन और हमारा वर्तमान का परिदृश्य, इसको केंद्र में रखते हुए आज मोनिका जी अपने विचार अपने साथ शेयर करेंगी, साझा करेंगी। तो स्वागत है मोनिका जी आपका इस पटल पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और जन सरोकार मंच का मैं फिर से अभिनंदन और आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिसके माध्यम से राजस्थान का जो महिला लेखन है, राजस्थानी का खास तौर से, उसको रेखांकित करने का एक प्रयास जो आप कर रहे हैं, जो अभी तक सिर्फ किताबों में हुआ था, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया के जरिए लेके जा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी आपने मुझे बहुत विश्वास के साथ सौंपी है। तो आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो राजस्थानी महिला लेखन में, विशेष तौर से मैं जो कविता है, जो काव्य है, आधुनिक काव्य, मैं उसको उसके इर्द गिर्द अपनी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि सभी विधाओं में काम हो रहा है। तो आज का जो मेरी जो चर्चा है, जो मेरी बात है, वो आधुनिक कविता के ऊपर केंद्रित है, तो किस तरीके से चीजें बदल रही है। तो शुरुआत करती हूँ। तो हुमतारो दरियाओ पार करनो है मने, क्योंकि आखिर ने हथियार बनाना चाहूं, और इतो अपराध घणो ही है, सजा सुनावण सारू के घूंघटो हटार, कुखरी पजेशन लेवनी चाहूं हूं, स्त्री हूं ता थका ही। तो यहां से मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ कि मैं अपना कोख का पजेशन लेना चाहती हूँ, और किसी भी भाषा के साहित्य की बात हो या उसका जब हम समग्र मूल्यांकन करते हैं तो उस भाषा के लेखकों की प्रवृत्ति, शैली, बिंब, कथ्य को बरतने के तौर तरीकों का अध्ययन किया जाना लाजमी है। किसी भी कालखंड के तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक परिवेश को जानने का सटीक जरिया हमेशा से साहित्य ही रहा है। हालांकि मौखिक साहित्य की पहुंच जो है सरलता से दूर दूर तक होती रही है, किंतु लिखित साहित्य एक सार्वभौमिक सत्य की भांति पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों और मूल्यों को सौंपने में ज्यादा सक्षम रहा है। राजस्थानी भाषा साहित्य भी इससे अलग नहीं है, विलग नहीं है, और करीबन 1400 साल की इसकी जो विकास यात्रा है, इसमें छंद अलंकार से युक्त आध्यात्मिक शौर्य, त्याग, वीरता, बलिदान के भाव को हमेशा अखंड रखने वाला साहित्य राजस्थानी की पहचान रही है। पर राजस्थानी भाषा का ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इसमें स्त्री स्वर की मुखरता को बहुत कायदे से रेखांकित नहीं किया गया। भक्ति काल में माँ मीणा के बाद कुछ ही नाम नजर आए, जिसमें से सहजोबाई, समानबाई, सुंदर कंवरी, लेकिन इन लेखकों को भी बहुत सरलता के साथ भक्ति भजन के तौर पर इनके लेखन को माना गया, और इसीलिए लेखन को जो है पुरुष के लेखन के सामने थोड़ा सा दोयम और हीन समझा गया। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं जिन पर मैं किसी और मंच पे हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्यों दोयम दर्जे का माना गया। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि मीना का जो लेखन है वो विद्रोह का लेखन था, प्रेम और विरह का लेखन था, जिसे बहुत चतुराई के साथ भक्ति के खाते में रख दिया गया, क्योंकि तात्कालिक सामंती व्यवस्था के लिए ये सहज, गरिमामय और ज्यादा सम्मानजनक था। चूंकि कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा हर बंधन से मुक्त रहना चाहती थी, इसीलिए अपने मान सम्मान को बनाए रखने की कथित कवायद के तहत उन्हें भक्ति कवि करके उस खांचे में रखना और उसको पूजनीय बनाया गया, ताकि वो समाज की व्यवस्था का जो है उसकी गरिमा, उसका सम्मान बना रहे। किंतु जैसा मैंने देखा, समग्रता से अगर हम देखते हैं तो माँ मीना के साहित्य में आम स्त्री की स्थिति को हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है। जैसे जैसे
औपचारिक शिक्षा का विकास हुआ, स्त्री के हाथ में कलम आई, उसने स्वयं को नाना प्रकार से अभिव्यक्त करना शुरू किया। हालांकि तब भी उसके लेखन को एकालाप या आत्मविलापी माना गया तथा पुरुष सत्ता ने उसके लेखन को नाम दिया, सुर दिया, स्वर दिया। वर्तमान में मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जो राजस्थानी भाषा में महिला लेखन है वो अपने परवान पर है, उरूस पर है। गद्य और गद्येतर सभी विधाओं में महिलाओं की लेखनी अपनी पहचान बना रही है, किंतु मेरा ये मानना है सबको पढ़ने के बाद कि उनकी अभिव्यक्ति, उनकी मुखरता काव्य स्वरूप में बेहतरीन तरीके से पाठक के सामने आ रही है। महिलाओं के लेखन की कूद पर हालांकि बहुत गंभीरता से ज्यादा काम नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर शारदा कृष्ण की पुस्तक आंगणे सु आभो तथा इसी क्रम में रवि पुरोहित जी के संपादन में जागती ज्योत का महिला लेखन विशेषांक तथा राजस्थली का हाल ही में आया महिला विशेषांक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डॉक्टर नीरज दैया ने लुगाई ने कुण गाई अपने इस पुस्तक के जरिए भी महिला स्वर को, जो महिला लेखक लेखिकाएं हैं उनके स्वर को माध्यम दिया है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा में महिला लेखन अपने परवान पर है और बहुत बेहतरीन तरीके से महिलाएं लिख रही है। और मेरा ये भी मानना है कि आज की जो लेखिकाएं हैं उनकी जो लेखनी है वो किसी भी तरीके से समकालीन भारतीय भाषा के लेखकों से कम नहीं है। और मेरा यह भी मानना है कि आज की लेखक मुक्त विचारों की है, इसीलिए काव्य में भी वो छंद मुक्त लेखन को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि छंद के पारंपरिक विधान में बदलते समय, ग्लोबल होते विश्व के विचार समेटे जाने थोड़े से मुश्किल भी है, क्योंकि लेखन प्रेम, विरह, त्याग और भजन से आगे बढ़ गया है। लोक साहित्य की अवेयर करने वाली स्त्री आधुनिक कविता में भी इस भावभूमि पर अपनी कलम से रचना संसार रच रही है, जिसमें आशा देवी शर्मा है, कमला कमलेश, प्रेमलता जी जैन, सुमन जी बिस्सा, कविता किरण आदि की रचनाएं हैं, जिनमें समाज में होने वाले परिवर्तन को अभिव्यक्त उन्होंने बहुत मुखरता के साथ अभिव्यक्त किया है। जैसे शकुंतला शर्मा जी लिखती हैं एक जगह कि सांचा हो थे वीर तो और मारे खातर लड़ रहा हो तो पहली बचाओ मारी जान, सांचा हो थे वीर मारे खातर लड़ रहा हो तो पहली बचाओ मारी जान, कीरत कोनी चाहिए बस जे दे सको तो दे दो चिमटिक सम्मान। या अब मैंने भी एक जगह लिखा था कि मारी स्वतंत्रता रा गीत मैं मते गाले छू, एक शोधन दियो परछियां विहुणी जून, मारी ओल खान मारे नाम री पिछाण, मैं गाले छू मारी आजादी रा गीत। अपने सम्मान की यह मांग महिला की चेतना व चिंतना में शिक्षा के पदार्पण के साथ ही संभव हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए विगत में स्त्रियों ने कुछ किया नहीं, रूठी रानी का प्रतिकार है या पद्मावती का जौहर भी इसकी वानगी है। हम इसको बिल्कुल अलग अर्थों में लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी वानगी है, किंतु धड़ल्ले से अपनी बात कहने के हौसले के साथ उस पर टिके रहना ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। और इस विचार को अंगेजने वालों में डॉक्टर करुणा दशोरा जी हैं, किरण पुरोहित निधिला जी हैं, सुंदर पारक हैं, अभिलाषा पारिक, रेणुका व्यास नीलम, दीपा परिहार, गीता जाजपुरा जैसी बहुत सारी लेखिकाएं हैं। अनिता जैन विपुला जैसी लिखती है कि सुनो मैं खेलन सारू रमतियों को नहीं। तो ये जो ललकार है आज की लेखिकाएं दे रही हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, और आज की लेखक अपनी लोक संस्कृति संस्कारों को पोखती हुई उसको मांड भी रही हैं, उसको लिख भी रही हैं। उसकी जो भाषा है वो आज की भाषा है, तकनीक और साहित्य को अमेरता लेखन 21वीं सदी की महिला की सशक्तता को भी उभारता है। बसंती पवार ने लिखा है कि मगज जे प्रिंटर हूं तो ख्याला ना प्रिंट आउट निकाल लेता, मन जे ब्लूटूथ हो तो भावनाओं को ट्रांसफर कर देता। तो ये एक वानगी है और अपने लेखन में खुद को सहेजती स्त्री बड़ी आसानी से अपने होने के सवाल को पूछ लेती है। सामाजिक व लैंगिक भेद को रचती हुई लेखक एक बड़ा प्रश्न समाज के आगे रखती हैं। नीलम पारिक जी लिखती हैं कि माँ तू कहती ही कि बेटियां चिड़कल होवे, माँ तू कहती ही कि बेटियां चिड़कल होवे, पर माँ चिड़कली तो उड़े खुले आकाश में, जे मैं चिड़कल हूं ती तो कठे है मारो आकाश, जे मैं चिड़कल हूं तो कठे है मारो आकाश। और इसी क्रम में प्रकाश अमरावत जी हैं, मीनाक्षी बुराना, आशा पांडे ओझा जी हैं, प्रतिमा पुलक है, सीमा राठौड़ शैलजा, मंजू किशोर, अलका अग्रवाल, श्यामा शर्मा, सपना वर्मा, उषा प्रजापत, भारती व्यास जैसे अनेक लेखक हैं
मैं ये नाम इसलिए ले रही हूँ कि लोग कहते हैं कि लिखने वाली महिलाएं हैं नहीं, इसलिए मैं इन नामों का यहाँ पे उल्लेख भी कर रही हूँ। तो ये जो सब लेखिकाएं हैं, ये समाज के सिस्टम और व्यवस्था पर प्रश्न उठाते भी हैं, उसका समाधान भी तलाशते हैं। और राजस्थानी की लेखक रोटी बोलने जैसे निहायत सरलता से समाज के दोगले चरित्र को उगाड़ देती हैं। कामना राजावत जी ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग कविता लिखी है, जो मुझे लगता है यहाँ पे हमको उसको रेखांकित भी करना चाहिए, कि छोरिया ने पढ़नाई जावे, छोरिया ने पढ़नाई जावे, सरकारी एलकारा सू जमीना और दुकान आसू, वे पढ़नाई नहीं जावे तो बस आप रे प्रेमिया सू। तो इतना सच लिखने का जो मादा है जो आज की लेखिकाओं में है, कि छोरिया ने पढ़नाई जावे सरकारी एलकारा सू जमीना और दुकान आसू, वे पढ़नाई नहीं जावे तो बस आप रे प्रेमिया सू। महिला काव्य लेखन ने बहुत सहजता से नए बिंब प्रतीक भाषा व मुहावरे को स्वीकारा है, वो अपनी रचनाओं में पिरोया भी है, और ये इस बात का प्रमाण है कि महिला लेखन समय के साथ चल रहा है। साथ ही साथ राजस्थानी भाषा की आधुनिक भाव बोध की स्वीकार के साथ अभिव्यक्ति की क्षमता को भी दर्शा रहा है कि हर बार हारती स्त्री बावड़े आपरी भस्म सू, हर बार हारती स्त्री बावड़े आपरी भस्म सू, फिनिक्स पाखीरी भात क्योंकि हारी नी है जुगा जुगा सू स्त्री री हूंस। और राजस्थानी काव्य तो हमेशा से सत्यम शिवम सुंदरम का पक्षधर रहा है, कल्याण भाव इसका हमेशा से एक महत्वपूर्ण अवयव भी रहा है और साहित्य का हिस्सा है। हमारे यहाँ पश्चिमी जो पीड़ादायी दुखांत रचनाओं के स्थान पर हमेशा से सकारात्मक संभावनाओं की तलाश को प्राथमिकता दी गई है। मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना एक अघोषित विषय भी रहा है सभी रचनाकारों के लिए। अध्यात्म और दर्शन इन संवेदनाओं की धार को और तीखा करता है और उसको ऊंचाइयां प्रदान करता है। संतोष माया मोहन जी ने लिखा था, बड़ी खूबसूरत रचना है, कि लोग कहते हैं कि औरत अपना दुख लिखती है, लेकिन इसमें अध्यात्म का जो ऊंचाई है वो देखने लायक पढ़ने लायक है, कि सीवू हूँ उधेड़ू हूँ उधेड़ फेर सीवू हूँ, सीवू हूँ उधेड़ू हूँ और उधेड़ फेर सीवू हूँ, आ ना पूछी कि सीवू हूँ तो उधेड़ू क्यों हूँ, आ ना पूछी कि सीवू हूँ तो उधेड़ू क्यों हूँ। ये कविताएं उदाहरण है कि लेखन किस प्रकार अपना मार्ग बनाता है, तथा जो राजस्थानी भाषा की क्षमता पर संदेह करते हैं उनके लिए भी प्रत्युत्तर है कि ये भाषा सभी भाव विचारों को अपने अपने में समेटने में सक्षम है। कविताओं में नई गुणगट भाषा की ठसक और मठोट के जरिए एक नया नजरिया और चेतना की उद्दाम ऊंचाइयां भी हमारी जो लेखिकाएं हैं उनकी रचनाओं में मिलती है। कहीं एक लेखिका ने लिखा है, तू मून है और मैं मून, तू मून है और मैं मून, चिन्हिक सी दूरी जुगार वांतरो, बिचारे पस जोड़ो थारो मुंडोई तुम वो सो करोड़ो, मैं कीकर थिर हूं, मैं कीकर थिर हूं, अरे श्याणा बायरो बठी ने सुबैर एक सोरम ल्यावे है, बावड़ा बायरो बठी ने सुबैर एक सोरम ल्यावे है। तो प्रश्न ये भी एक प्रश्न बड़ा सारा उठ जाता है कि जब स्त्री लेखन इतना समकालीन है सशक्त है तो उसे वो मान सम्मान वो स्थान क्यों नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब हम यही दे सकते हैं कि महिलाएं अभी खेमेबाजी और साहित्य की मार्केटिंग में नहीं आ रही हैं, बल्कि अपने लेखन को धार दे रही हैं, उसको और तेज कर रही हैं और उसको पला रही हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगी फिर से मेरी बहनों का यहाँ पे, मनीषा आर्य सोनी, ऋतु प्रिया, अंकिता काकदांश, सुनीता बिश्नोलिया, संतोष चौधरी, विद्या भंडारी, शीला संचेती, शकुंतला शर्मा, कृष्णा कुमारी, कृष्णा सिंह, इंदिरा सिंह जैसी ये जो लेखिकाएं हैं, इनकी कलम ये विश्वास दिलाती है कि राजस्थानी महिला लेखक की काव्य यात्रा हूंस और क्षमता और ट्रीटमेंट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर खरी उतरती है। मनीषा आर्य सोनी ने एक जगह लिखा है कि जे देखनी हुए जुझार पणेरी पृथक पिछाण तो देखनो चाहिए तवे माथे नाचती लोक होवन सु पहला एक नैनकड़ी बूंद। तो ये जो बिंब है, ये जो प्रतीक है, ये राजस्थानी भाषा की धरोहर भी है और ये मेरी बहनों का जो महिला लेखक है
उनकी उनकी सशक्तता की पहचान भी है कि वो कितना आगे तक जाकर सोच सकती हैं, एक नन्ही बूंद से किस तरीके से प्रतीक बना सकती हैं। और घर परिवार में बदलती भूमिकाओं के बीच सामंजस्य बिठाती जो महिला है वो सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक व राजनीति की जो विद्युपताएं हैं उनको देख रही हैं, समझ रही हैं और अपना एक विचार भी बना रही हैं, और साथ ही साथ वो अपनी लेखनी में भी उसको ढाल रही हैं। ऐसा नहीं कि उनके लेखन में ये सारी बातें नहीं आ रही है। कहीं लिखा है किसी ने कि विकसाव पसरियो है गांव माए ढाणी माए, काली डामरी सड़का सु हूं तो अबे गांव ही भुगते है शहर वालों काड़ो विकसाव, वोट नोट राम रे नाम सु लाल हूं तो। ये आज की लेखिका की कविता की धार है कि उस इन सब विडंबनाओं को लिख रही है और वो पर्दे के पीछे होने वाले खेलों से भी परिचित है। अपने व्यक्तिगत अनुभव, पीढ़ियों की दुभांत, लैंगिक भेद के साथ दैनिक जीवन के जो सुख दुख, भौतिक होते रिश्ते, छीजती मानवीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में ढालती हुई अपनी लोक संस्कृति परंपरा और अपने सपनों को जिंदा रखने की वो खेचर लगातार कर रही है। वो लिखती है कि खोड़ियों धोया सफाई नहीं हुए जद ताई मैला है मायला गुदड़। और लेखिकाओं का ये जो लेखन है, उनकी जो कलम में जो धार है वो ऐसे ही नहीं आई है, सदियों से उसने जो सहा है उसको देखा है। तो अपने एकालाप, अपने विलाप, अपने आत्मा के रुदन से बाहर निकलकर वो समय के और समाज के सत्य को अपनी कलम के माध्यम से लिख रही है। लेकिन साथ ही साथ अपने सपनों को जिंदा रखने की खेचल के साथ समय के सच को लिखते हुए साहित्य के सत्यम शिवम की संभावनाओं को थामे हुए पितृसत्तात्मक समाज में अपना स्थान और पहचान भी बना रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो स्वयं को रेखांकित कर रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो पहचान है ये उसको किसी ने दान में नहीं दी है कि किसी ने उसको दे दिया कि चलो तुमको ये पहचान मिल जाएगी। जी हाँ, ये पहचान उसके पसीने, मेहनत और रतजगों की है जो ओझ के उसने किए हैं, उसकी है। और सदियों से सहमी जुबान की मुखरता और धार ये आश्वस्ति देती है कि अब साहित्य अबोला नहीं रहेगा। जो आधी आबादी की आवाज थी वो अब चुप नहीं रहेगी, वो सबको सुनाई देगी। और महिला लेखन की उपस्थिति इतिहास और साहित्य में पूर्ण सम्मान के साथ दर्ज की जाएगी। लेकिन इसमें एक बात हमको ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखना चाहिए कि राजस्थानी के विभिन्न अंचलों में जो अनेक भाषाओं और बोलियों में जो सृजनत साधिकाएं हैं उनकी कविताओं को, उनकी लेखनी को भी यहाँ पर रेखांकित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी जो है ये महिला लेखन जो है संपूर्ण माना जाएगा, तभी इसकी कूंत और इसकी पड़ताल पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मैं इसके साथ अपनी बात को संपन्न करती हूँ कि महिला काव्य लेखन राजस्थानी का कितने उदाम ऊंचाइयों पर है कि नागफणी, डंडा थोर, कैर, कीकर, आकड़ो, सत्यानाशी, साई, थार माइनी है, मान खे मैं लाध्या करे आप रे विडरूप संदर्भा माए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए। आभार आपका मोनिका जी, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही अच्छे भावों के साथ आप हमें फिर सहयोग करेंगी। जी बिल्कुल, बेशक।